सीएम बनते ही सबसे पहले क्या करेंगे कमलनाथ? कौन सी है वो दो फाइलें जिन पर कमलनाथ की नजर? महिलाओं को पत्र लिखते वक्त किया इन फाइलों का जिक्र, क्या है इन दो फाइलों और पत्र का राज? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। सत्ता की चाहत में पार्टियां कई वादे करती हैं, नेक इरादे भी रखती हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता की चाबी हाथों में आती है वैसे ही सभी वादों और इरादों से नकार जाती है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, मतदाताओं को रिझाने के लिए कोशिशें भी सभी पार्टियों की शुरू हो गई है। इसी बीच मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने दो बड़े ऐलान कर दिए हैं। ये बड़े ऐलान पार्टी को जीत दिलाने के लिए मास्टर स्ट्रोक भी साबित हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि कमलनाथ अगर सीएम बनते हैं तो पद संभालते ही दो ऐसी फाइलें हैं जिन पे सबसे पहले साइन करने वाले हैं। ये फाइल बीजेपी के लिए गले की फांस बन सकती है और वहीं कांग्रेस के लिए जीत की आस भी बन सकती है। ये फाइलें कौन सी है वो आपको बताते हैं। पूर्व सीएम ने खुद इसकी जानकारी दी, एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने इसकी जानकारी साझा की है। बताया जा रहा है कि सीएम बनते ही कमलनाथ की सरकार 1500 रुपए महीने वाली नारी सम्मान योजना की फाइल पर साइन करेगी। इसके अलावा राजस्थान की तर्ज पर प्रदेश के हर नागरिक के लिए इलाज का अधिकार देने का ऐलान किया है। इसके अलावा अंगदान को बढ़ावा देने के लिए जो भी व्यक्ति अंगदान करेगा उसका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, कमलनाथ ने इसके लिए महिलाओं के नाम एक पत्र भी लिखा, जिसमें कमलनाथ ने लिखा, आदरणीय बहन, आशा है आप कुशल होंगी और आपने कांग्रेस पार्टी का नारी सम्मान योजना का फॉर्म भर दिया होगा। अगर किसी वजह से आप नहीं भर पाई हैं तो आप फिर भी नियमानुसार इसके पात्र बनी रहेंगी। हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले मैं नारी सम्मान योजना के तहत 1500 रुपए प्रति माह के सरकारी आदेश पर हस्ताक्षर करूंगा। इसके साथ ही मैं और कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है कि आपके लिए घरेलू गैस का सिलेंडर केवल 500 रुपए मात्र में महीने में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही कमलनाथ ने लोगों से यह भी अपील की, उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र आप जरूर देखें, मेरे हस्ताक्षर से जारी इस पत्र की फोटोकॉपी आप संभाल कर रखें, यह पत्र मेरी गारंटी और मेरा वचन है। कमलनाथ ने इससे जुड़ी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा, खुशहाल नारी, खुशहाल मध्य प्रदेश मेरा विजन है और इसे साकार करने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। कांग्रेस सरकार महिलाओं के लिए सुरक्षित मध्य प्रदेश का निर्माण करेगी। महिला दुष्कर्म मामलों में 18 सालों में मध्य प्रदेश का स्थान देश में निरंतर सबसे आगे रहा है। इस कलंक को मिटाएंगे। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 1500 रुपए प्रति माह देंगे। ₹500 में रसोई गैस उपलब्ध कराएंगे। बेटी विवाह योजना में विवाह सहायता 1,01,000 देंगे। मेरी बिटिया रानी योजना में बेटियों को 2,51,000 रुपए के हित लाभ देंगे। वृद्ध, दिव्यांग, विधवा और परित्यक्ता बहनों को पेंशन बढ़ाकर 1200 रुपए महीना देंगे। महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और सहकारिता के क्षेत्र में 50% आरक्षण दिया जाएगा। शुचिता कार्यक्रम के तहत छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे। छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को हर माह सूचिता अवकाश देंगे। कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी। साफ तौर पर कमलनाथ का कहना है कि आगे आने वाले समय में जो वादे कांग्रेस ने किए हैं उन्हें वो पूरा जरूर करेंगे। अब देखना होगा कि अगर सरकार बनती है तो कांग्रेस या फिर कमलनाथ अपने कहे हुए शब्दों पर कितने खरे उतरते हैं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।